बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि दो मीटिंग्स हुई, एक कायमा कमेटी थी कौमी असम्बली की, एक कायमा कमेटी थी सेनेट की, जिसमें पीएमडीए डिस्कस हुआ। 5.5 से 6 घंटे के ये जो दो इजलास थे, इनकी बहुत सी वीडियोज़ मेरे पास हैं। इस जो अब वीडियो है, इसमें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो सहाफ़ियों की एक तंजीम के रहनुमा मज़र इकबाल साहब ने जब मीडिया वर्कर्स की बात की, जब मालकान को एक्सपोज किया, तो मालकान और उनके हवारी, आपको पता है कि आजकल मीटिंग्स में छाए हुए हैं और वो ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हैं, तो जो सीईओ हैं शहाब जुबैरी आईटीबी के, वो तड़प उठे खड़े होके और उन्होंने उनको रोक दिया कि आप किस तरह से मालकान को जो है वो जालिम और जाबिर कह रहे हैं, किस बुनियाद पे मज़र इकबाल साहब ने जालिम और जाबिर कहा, वो आप खुद सुन लीजिएगा और किस तरह वो खड़े हुए। ज़ाहिर है वो मुकम्मल वीडियो में नहीं बना सका, क्योंकि जब वो पहले खड़े हुए तो उस वक्त ज़ाहिर है मेरा फोकस मज़र इकबाल साहब की तरफ था, फिर उन पर फोकस किया तो उसके बाद भी वो बोलते रहे जब मज़र इकबाल साहब बात कर रहे थे। लेकिन उससे पहले, वो वीडियो आपको दिखाने से पहले, आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ कि इस वक्त जो सहाफ़ती तंजीमें जो पीएमडीए के ख़िलाफ़ खड़ी हैं, ये बेसिकली मालकान के इमा पर खड़ी हुई हैं, और इस वक्त इनको जो पीडीएम है, जो अपोजिशन है, उनकी भी हमायत हासिल है। आपको मैं बताता चलूँ, और ये खबर का लिंक भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पीडीएम है वो वॉइस ऑफ अमेरिका बीबीसी उन पे ज़्यादा एतमाद करती है। ज़ाहिर है जो फौज के खिलाफ ज़्यादा खबरें देते हैं उन पे ज़्यादा उनका ईमान है, ज़्यादा यकीन है। तो ये वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर का आपको हवाला दे रहा हूँ, गो कि मैं उस दिन खुद सेनेट में मौजूद था जब सेनेट में जो पीआरए है, पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन, उनके जो उस वक्त मेरे ख्याल बेहजाद सलीमी साहब थे और अली शेर साहब थे और उनके साथ बहुत से जो हैं वो रिपोर्टर्स थे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, इसी तरह से उसके बाद अब सदीक साजिद साहब हैं, आसिफ बशीर चौधरी साहब हैं, इनकी कोशिशों और काविशों से एक बिल जो है वो तैयार हुआ, जो सेनेट में पेश किया गया था। वो बिल क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। उस बिल को मुस्तरद किया था किसने? पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, मौलाना फजल रहमान की जमात ने, इन्होंने मुस्तरद किया था, और वो मालकान के असल में खिलाफ बिल था, उनको अकाउंटेबल करने के हवाले से था कि अगर वो मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं देते। और आज जो इस एक तो वीडियो आपको मज़र इकबाल साहब की दिखाऊंगा, शहाब जुबैरी साहब जब खड़े होके और तड़पने लग गए, और उसके बाद आप देखेंगे सदीक साजिद साहब की गुफ्तगू, जिसमें मैं नहीं कह रहा, सदीक साजिद साहब ये कह रहे हैं कि जब सेनेट में वो बिल पेश हुआ था तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उसको मुस्तरद किया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। उस बिल में क्या था? वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक, ये वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है, ये जनवरी 2021 की खबर है, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के अवाने बाला सेनेट ने हुकूमत की जानिब से पेश किए गए उस बिल को मुस्तरद कर दिया है, जिसके तहत मुल्क में प्राइवेट मीडिया चैनल्स को रेगुलेट करने के इदारे पैमरा को मजीद इख्तियारात तफवीज किए जा रहे थे। आज ये क्या कह रहे थे सारे मालकान और जो उनकी तंजीमें जो उनके हक में, पैमरा को आप जो है मजीद मजबूत कर दें, स्ट्रेंथन कर दें। और जब पैमरा को स्ट्रेंथन करने के हवाले से हुकूमत एक बिल लाई वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए, तो इन्होंने उसको मुस्तरद किया। आगे सुने जनाब, इस बिल के जरिए पैमरा को निजी टीवी चैनल्स और उन निजी टीवी चैनल्स और उसके मुलाजमीन के दरमियान होने वाले मुआहदों से मुतालिक शिकायत सुनने का इख्तियार मिल जाता। वाज़ह रहे कि यह बिल दूसरी बार इवान से मुस्तरद हुआ है। पीर को सेनेट इजलास में हुकूमती बेंचेस ने इस बिल को मुल्क में इंसानी हकूक की बहाली और मीडिया की आजादी को तकवीत देने से ताबीर किया था। बिल को पेश करते हुए सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बरए इतलात और नशरियात के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि इसका मकसद पैमरा को वो अख्तियारात देना है जिससे वो मीडिया चैनल्स के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स को इस बात का पाबंद बना सके कि वो मीडिया वर्कर्स के साथ किए जाने वाले मुआहदों को हर सूरत में पूरा करे। उनका कहना था कि इससे मालूम किया जा सकेगा कि क्या निजी मीडिया इदारे तनख्वाहें वक्त पर दे रहे हैं या नहीं, और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो मीडिया वर्कर्स को सुनवाई की जा सके। फैसल जावेद ने इस दलील को रद्द किया कि पैमरा के को इस बारे में बाख्तियार बनाने से आजादी सहाफत पर कोई असर पड़ेगा। उनके बकौल इसका फायदा उन मीडिया वर्कर्स और सहाफियों को होगा जिन्हें अक्सर तनख्वाहें जानबूझकर अदा नहीं की जाती या अदायगी में बिलावजह तखीर का सामना किया जाता है। फिर वो आगे सारी तफसील है, यह आप पढ़ सकते हैं। और जनाब, इसकी मुखालफत की पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, JUIF ने, और इसका आप अगर खुद चेक करना चाहें तो आप अगर गूगल पर जाकर लिखेंगे पैमरा को मजीद इख्तियारात देने का बिल सेनेट से मुस्तरद, मीडिया वर्कर्स का फायदा या नुकसान, ये आप लिखेंगे तो आपको यह खबर मिल जाएगी। आप बड़ी तफसीली और लंबी खबर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब जनाब आगे आप देखें कि मज़र इकबाल साहब ने यही कहा कि मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दी जाती और अभी यह बिल आया नहीं है, तो आपने कैसे इसको मुस्तरद कर दिया? इसमें से जो अच्छी चीजें उसको एक्सेप्ट करें, जो गलत चीजें हैं उनको मुस्तरद करें। और उन्होंने बताया कि कैसे शायद कर नवासी की जाके मिन्नतें की गई और कैसे मालकान इस्तेहसाल करते हैं। और यह भी मैं आपको बता दूं कि एक मज़र इकबाल साहब ने बात की मीडिया वर्कर्स की, एक
जो है वो प्रवेश चौकत साहब ने बात की, एक अकरम आबिद साहब ने बात की, एक दो और साफी थे उनकी भी वीडियोस मैं आपके सामने रखूंगा। अब आप दो वीडियोस देखिए, एक पहले अकरम आबिद साहब की और उसके बाद नहीं सॉरी मजर इकबाल साहब की और उसके बाद सिद्दीक साजिद साहब की आप वीडियो आगे देख सकते हैं। और इसके बाद जो वीडियोस करूंगा उसमें आपको फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनवाऊंगा, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने मीडिया मालकान के बैठे हुए उनको ब्लैकमेलर कहा कि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, उस पर क्या हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आगे आप वीडियो देखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मजर इकबाल है दोस्तों, और मैं प्रेसिडेंट हूँ PFUJ प्रोफेशनल्स का। मैम मे आई हैव योर अटेंशन। मेरा नाम मजर इकबाल है, मैं PFUJ प्रोफेशनल। विद इन थ्री मिनट्स घंटी बजा दीजिएगा आप, लेकिन वक्त शुरू होता है अब। मेरा नाम मजर इकबाल है जी, और मैं प्रेसिडेंट हूँ PFUJ प्रोफेशनल्स का और सेक्रेटरी जनरल हूँ फोर्थ पिलर विजिलेंट मीडिया वॉचडॉग का। बातें तो मुझे बहुत सी करनी थी, लेकिन कुछ दोस्त जो मीडिया मालकान की तंजीम से उन्होंने फेक न्यूज़ की बात छेड़ दी। मैं समझता हूँ कि शायद एज ए जर्नलिस्ट लीडर फेक न्यूज़ शायद मेरा मसला ना हो, लेकिन अब है, क्योंकि मीडिया मालकान की तंजीम ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड ये इश्तहार चलाया कि पाकिस्तान की तमाम सहाफती तंजीमों ने PMDA के कॉन्सेप्ट पेपर को मुस्तरद कर दिया, जबकि ये फेक न्यूज़ है। मैं PFUJ प्रेसिडेंट के तौर पे और सेक्रेटरी जनरल फोर्थ पिलर विजिलेंट मीडिया वॉचडॉग की हैसियत से इसको मुस्तरद नहीं कर रहा और ना ही अभी इसको मंजूर कर रहा हूं, मैं इस पे बात कर रहा हूं। नंबर वन। नंबर टू, मैम कहा गया कि दुनिया में कहां ये कानून है। दो चीजें हैं इस पे। पहली चीज तो ये है कि क्या हमने दुनिया को फॉलो ही करना है, किसी चीज में इनिशिएटिव नहीं हमने लेना, और दुनिया में कहां पे होता है कि 15-15 महीने लोगों को सैलरी ना दी जाए। और मैम मैं ये बात करना चाहूंगा कि कहा गया कि इससे पहले कानून है, यहां चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब बैठे हुए हैं, हम मिनते करते रह गए चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से शायद खाकान अब्बासी साहब की मिनते करते रह गए, वीडियो सबूत मौजूद है। फवाद चौधरी की हमने 1.25 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक कर दी, हमने कहा ये जालिम मीडिया मालकान जो हैं, सारे ना इत्तेजाज करें, जो हैं जालिम गासिब जबर मीडिया मालकान हमें 15-15 महीने से सर्विस नहीं देते, जो है बैठ जाएं। जी ओके। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे लिए आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द पीपल सिटिंग हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस आर, मैं कह रहा हूँ जो है, जिन्होंने मेरे बच्चे के फीडर से दूध छीन लिया, मैं उनको जालिम ना कहूँ। अच्छा, हम गए और इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कानून नहीं है जो आपको सपोर्ट करे। बात की जाती है ITNA की, 10-10 साल से वहां मैम केस लगे हुए हैं। मेरे जैसे कारकुन साफी के लिए ये ब्लेसिंग होगी PMDA केस के तहत मुझे एक कंप्लेंट कमीशन मिलने जा रहा है, जिसमें मेरी शिकायत सुनी जाएगी और ट्रिब्यूनल 21 रोज के अंदर अंदर फैसला करेंगे। आप कह रही हैं कि अभी मेरे भाई मोहतरम नासर साहब ने कहा कि कौन साफी अफोर्ड कर सकते। यस आई एम जस्ट रेफरिंग द नेम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कौन साफी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मैं श्योर करता हूं किसी वर्किंग जर्नलिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं वोकल हूँ, 8 महीने की तनख्वाह मेरी एक चैनल ने दबाई हुई है। जब मैं कंप्लेंट कमीशन में जाऊंगा, अभी 3 मिनट नहीं हुए जी, पौने दो मिनट हुए। अच्छा, अगर सुन ले, अगर मेरी 8 महीने की तनख्वाह है, मैं कंप्लेंट कमीशन में जाऊंगा, तो वो मालिक कैसे साबित करेगा कि मजर इकबाल को मैंने सैलरी दे दी। डेफिनेटली उसके खिलाफ फैसला आएगा, इसलिए ये मालकान रो रहे हैं कि इनको पैसे देने पड़ेंगे। और वन लास्ट पॉइंट एक मिनट सर, वन लास्ट थिंग। अच्छा, ये कहते हैं जी आजादी सहाफत। मैं बिटर रियलिटी आपके सामने करने जा रहा हूं। मैं 31 साल पुराना जर्नलिस्ट हूं, आज तक मुझे किसी मीडिया मालिक ने ये नहीं पूछा कि ये खबर जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, ये एडिटोरियल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साफी का मसला आजादी सहाफत नहीं रहेगी, सहाफत आजादी सहाफत मीडिया मालकान का मसला है।
और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनका मसला सेठ है, हमारा मसला पेट है। एक तो जो बिल है सेनेट में पड़ा हुआ कैमरा तरमीमी बिल, जिसकी अपोजिशन ने वहाँ पे सेनेट में, तो उसको पास किया गया फौरी तौर से। और दूसरा, अभी हम जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी बिल कौमी असम्बली और इंसानी हकूक कमेटी में वो तेरे बहस है, उसके ऊपर इतनी अच्छी गुफ्तगु हो रही थी, हमारी सिफारशात मुख्तलिफ पार्टीज ने वहाँ से दे रखी थी, ऊपर से ये पीएम मीडिया कार्पोरेट अथॉरिटी द्वारा बिल लाया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत खुद श्री मजारी आप अच्छे तरीके से जानते हैं वो लेकर आई, और उसके ऊपर हमारी जो सिफारशात हैं मुख्तलिफ तंजीमों की वो आ चुकी है। हमें तो सबसे बड़ा इशू यही है जर्नलिस्ट की सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी जॉब सिक्योरिटी का, उनकी तनख्वाहों का, और जो इश्तहारात के साथ इसको लिंक करने के बाद जो सेनेट में बिल था। लेकिन मुझे अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने भी उस वक्त उसकी मुखासत की सेनेट में, नून लीग ने भी की। हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि उसको पास करवाने में जो है वो मदद करें, तावन करें। और ये जो वाला है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से जो ख्याल नासर साहब के हैं उससे बहुत बहुत खुश हैं। मैडम प्लीज मैडम।